हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इससे आपका जो स्टैटिक जीके का सारा क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। स्टैटिक जीके का जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके कवर किए जाएंगे, ठीक है। जितने चैप्टर्स होते हैं सारे टॉपिक वाइज आपके कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो सारे स्टैटिक जीके के, इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा। जितने आपके सवाल हैं सारे आपके इसी से आएंगे, ठीक है। तो देख लेते कौन कौन सा चैप्टर्स आपका रहेगा। तो देख सकते हैं टॉपिक सारे, जितने टॉपिक्स आपके हैं सारे टॉपिक से कवर किया जाएगा। फोक डांस हो गया, ट्रैवल डांस है, क्लासिकल डांस, सारे जितने टॉपिक्स आपके हैं सभी टॉपिक्स आपका जो है कवर किया जाएगा, ठीक है। और सारे आपके जो थ्योरी वाइज आपका है सारा जो है पोर्शन आपका कवर किया जाएगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला टॉपिक है आपका डांस रिलेटेड है, मतलब डांस रिलेटेड आपका पहला टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तो लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया, देखिए तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम किस राज्य में होता है, आपका तमिलनाडु में होता है। तो भरतनाट्यम कहाँ होता है, आपका तमिलनाडु में होता है, ठीक है। और कथक, कथक कहाँ होता है, आपका उत्तर प्रदेश में होता है, कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और कुचिपुड़ी कहाँ होता है, आपका आंध्र प्रदेश में होता है, कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। और ओडिशी, ओडिशी कहाँ होता है, आपका ओडिशा में होता है, कहाँ होता है, ओडिशा में होता है। और कथकली, कथकली कहाँ होता है, आपका केरल में होता है, ठीक है। और सतारिया कहाँ होता है, आपका असम में होता है। और मणिपुरी कहाँ होता है, आपका मणिपुर में होता है, ठीक है। और मोहिनीअट्टम कहाँ होता है, आप केरल में होता है, ठीक है। ये आपके जो क्लासिकल डांस है, ठीक है। टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपका जो क्लासिकल डांस है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोक डांस देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं सारे फोक डांस। देखिए अरुणाचल प्रदेश कौन कौन सा आपका, बुइया, बुइया नृत्य है, चलो नृत्य है, वांचो नृत्य है, पाशी कोंकी है, और पोनू नृत्य है, और पॉपी पॉपी नृत्य है, और बाडो छम है, ठीक है। तो ये सारे आप याद रखें। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा आपका फोक डांसेस है, तो बुइया नृत्य है आपका, चलो नृत्य है, वांचो नृत्य है, पाशी कोंकी है, कोंकी, और पोनुंग नृत्य है, पॉपियर नृत्य है, और बाडो छम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं असम में देखते हैं फोक डांस, ठीक है। तो बिहू है, बिहू नृत्य है, और झूमर है, बिहू नृत्य और झूमर है, और आपका बगू रुम्बा है नृत्य है, और सतारिया नृत्य है, अब देवधनी और भोरताल नृत्य है, ठीक है। तो याद रखिए ये सारे कहाँ आपका असम में, तो असम में आपका कौन कौन सा डांस आपका, चलिए फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। देखिए तो बिहू नृत्य है आपका, झूमर नृत्य है आपका, ठीक है, असम में, ठीक है। और कौन सा नृत्य है आपका, और आपका बगुरुम्बा नृत्य है, सतारिया नृत्य है, देवधनी और भोरताल नृत्य है, ठीक है। ये सारे असम के फोक डांसेस है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बिहार के देख लेते हैं, जाट जाटिन है, और बखो बखेन है, अपावरिया, ये कहाँ के आपके बिहार के, कहाँ, जाट जाटिन, बखो बखेन, अपावरिया, ये कहाँ के आपके बिहार के, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य के देख लेते हैं, जैसे सेला नृत्य, सुहा नाचा, पांडवानी, पंथी नृत्य, और राउत नाच, ये कहाँ का आपका, छत्तीसगढ़ का, कौन कौन सा, सैला नृत्य, सुहा नाच, पांडवानी, पंथी नृत्य, और राउत नाच, ये कहाँ का आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है। अब गुजरात का देख लेते हैं, गुजरात का कौन कौन सा, गरबा है, डांडिया है, भवई है, टिपनी है, पधार है, और हुडो नृत्य है। तो गुजरात में कौन कौन सा आपका, गरबा, डांडिया, भवई, टिपनी, पधार, और हुडो नृत्य है, ठीक है, याद रखिए। और हरियाणा का देख लेते हैं कौन कौन सा आपका, फाग नृत्य है, साग नृत्य है, छठी लोक नृत्य है, खोरिया नृत्य है, धमाल नृत्य है, डफ नृत्य है, झूमर नृत्य है, झूमर नृत्य है, और आपका क्या, घूमर और झूमर, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, घूमर और झूमर नृत्य कहाँ का आपका, हरियाणा का, घूमर नृत्य और झूमर नृत्य कहाँ का वो, हरियाणा का, ठीक है। अल्लूर नृत्य आपका कहाँ, हरियाणा का। तो फाग नृत्य, शांग नृत्य, और खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, और घूमर नृत्य, और झूमर नृत्य, और अल्लूर नृत्य, ये कहाँ का आपका, हरियाणा राज्य का, ठीक है। अब चलिए हिमाचल प्रदेश का देख लेते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा है, तो ठोड़ा नृत्य, नाटी नृत्य, छम नृत्य, डांगे नृत्य, और दानव नृत्य, मतलब राक्षस नृत्य, ये कहाँ के आपका, हिमाचल प्रदेश का, ठोड़ा नृत्य, नाटी नृत्य, छम नृत्य, डांगे नृत्य, दानव नृत्य, ये सारे आपके कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं कौन कौन सा, तो आपका कौन सा, रऊफ डांस, भांड पाथेर, हफीजा, भांड जक्सन, बच्चा नगमा, दुमहार, अब बुगे नचून, और कूद, ये कहाँ का आपका, जम्मू कश्मीर का, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। तो रॉक डांस, भांड पाथे, हफीजा, भांड जक्सन,
बच्चा नगमा, दुम्हार, बुगी नचुन और खुद। खुद यहाँ कहाँ का आपका? जम्मू कश्मीर का, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का स्पेशली, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कर्नाटक राज्य का, देखते हैं। तो दोलू कुनिथा, यक्षगान, भूत आराधना नृत्य, नागमंडल नृत्य, वीरगाशे, अकसाले और पूजा कुनिथा, ये कहाँ का आपका? कर्नाटक राज्य का, ठीक है। तो दोलू कुनिथा, यक्षगान, भूत आराधना नृत्य और नागमंडल नृत्य, वीरगाशे नृत्य और कंसाले और पूजा कुनिथा, ये कहाँ के आपका? कर्नाटक राज्य का, ठीक है, याद रखिए। और केरल का कौन कौन सा आपका? देखिए देखिए केरल राज्य का कौन कौन सा आपका? केकोटिकली, कोलकली, कथकली, मोहिनी अट्टम, थेयम, ओटम, ओटम थुलाल, कुटियाट्टम, नंगियार कुथु, कलारी पट्टू, बेलाकाली, अकाव, डियाट्टम, पटियानी, अडप्पू काली और पन्ना, ये सारे कहाँ के आपके? केरल राज्य के, केरल राज्य के, ठीक है। तो याद रखिए कोकोटिकली, कोलकली, कथकली, मोहिनी अट्टम, थेयम, ओटम थुलार, कुटियाट्टम, नंगियार कुथु, अकलारीपट्टम, बेलाकाली, कावड़ियाट्टम, पटियानी, डप्पू काली और पन्ना, ये सारे कहाँ के आपका? केरल के, ठीक है, याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा आपका? अब जितने भी अट्टम शब्द आते हैं कहाँ के आपका? केरल का, ठीक है। जैसे आपका मोहिनी अट्टम हो गया आपका, ठीक है, जैसे कुटियाट्टम हो गया आपका, ये सारे कहाँ का आपका? केरल का, ठीक है। इसमें आपको कथकली याद रखिए, मोहिनी अट्टम याद रखिए, ठीक है, और आप कुटियाट्टम याद रखिए। तो इसमें से तीन चार पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिससे आपके सवाल बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कारे सारे कहाँ के? केरल के, ठीक है। आप देखते हैं एमपी का, देखते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का कौन सा? जवारा, तरतारी, भकोरिया नृत्य, मटके नृत्य, लहंगे नृत्य, शुभा नृत्य और कर्मा नृत्य, ये कहाँ का आपका? मध्य प्रदेश राज्य का। जवारा, तरतारी, भगोरिया नृत्य, मटके नृत्य, लहंगे नृत्य, शुभा नृत्य और कर्मा नृत्य, ये कहाँ का आपका? मध्य प्रदेश राज्य का, ठीक है। अब महाराष्ट्र का देखते हैं, धंगारी काजा, दशावतार, लावणी नृत्य, पोवदास नृत्य, तमाशा नृत्य, कोली, लेजियम नृत्य और गोंधल नृत्य, ये कहाँ का आपका? महाराष्ट्र का, ठीक है। तो याद रखिए धंगाली, गाजा, दशावतार, लावणी नृत्य, पोवदास नृत्य, तमाशा, कोलकली नृत्य, लोजिम नृत्य और गोंधल नृत्य, ये कहाँ का आपका? महाराष्ट्र का, ठीक है। अब मेघालय का देख लेते हैं, बहदी नखलम, नौ क्रैम नृत्य, वांगला नृत्य, लाहौर नृत्य, डो ड्रुशवा नृत्य, साध सुख नृत्य, साध सुख मिनियम और डासे गाटा नृत्य, ये कहाँ का आपका? मेघालय का, ठीक है। तो याद रखिएगा मेघालय का, ठीक है। अब नागालैंड का देख लेते हैं, नागा नृत्य, लिशा लप्तु, मयूर नृत्य, तितली नृत्य, चांगसांग नृत्य और चांग लो शुआ नृत्य और कुकी नृत्य, ये कहाँ का आपका? नागालैंड का, कहाँ का है? नागालैंड का, ठीक है, याद रखिएगा। अब ओडिशा का देख लेते हैं हम लोग, पायका नृत्य, छऊ नाचा, घुमुरा नृत्य, बाघा नाचा, धा नृत्य, गोटीपुआ नृत्य, कर्मा नृत्य और किशाबाती नृत्य और दस कठिया नृत्य, ये कहाँ का आपका? ओडिशा का, कहाँ का? ओडिशा का। तो पायका नृत्य, छऊ नाचा, घुमुरा नृत्य, बाघा नाचा, धन नृत्य, गोटीपुआ नृत्य, कर्मा नृत्य और किशाबादी नृत्य और दस कठिया नृत्य, ये कहाँ का आपका? ओडिशा का, ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब का देख लेते हैं कौन कौन सा, भांगड़ा, गिद्धा, लुड्डी, जागो और किकली, ठीक है, ये कहाँ का आपका? पंजाब का, ठीक है, ठीक है, याद रखिए। तो पंजाब में कौन कौन सा था आपका? तो देख लीजिए पंजाब में कौन कौन सा आपका है, तो भांगड़ा है, गिद्धा है, लुट्टी है, जागो है और किकली, ये कहाँ का आपका? पंजाब का, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग राजस्थान का देख लेते, ठीक है। अब राजस्थान का नृत्य देख लेते हैं हम लोग, जैसे घूमर, काल बेलिया, भवाई, कच्ची घोरी और गैर, कठपुतली नृत्य और चक्री, तेरह ताली और चांग, ये कहाँ का होगा? राजस्थान का नृत्य, ठीक है। घूमर, काल बेलिया, भवाई, कच्ची घोरी, कठपुतली नृत्य और चक्रा, तेरह ताली और वांग, ये कहाँ का आपका? राजस्थान का, कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक है, याद रखिए। और आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, कुचिपुरी, भामकल्पम, बीरनाटकम, दम्पू, लवाड़ी, धिमशा, कोलाट्टम, बट्टा, अबोमल्लू, ये कहाँ का आपका? आंध्र प्रदेश का नहीं थे, ठीक है, याद है। कुचिपुरी, भामकल्लम, भीरनाटकम, दम्पू, लवाड़ी, धिमशा, कोलाट्टम, बट्टा,
पोमालू, ये सब कहाँ का आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। और तमिलनाडु का देख लेते हैं, भरतनाट्यम, बम्बा नृत्य, देवदर्टम नृत्य, कांवरी, कुम्मी, ऑट्टन कुथु और करगम, ये कहाँ का आपको तमिलनाडु का, कहाँ का तमिलनाडु का, ठीक है। और तेलंगाना का कौन सा, थोलू, थोलू, बोमलत्ता और बोनालू, ये कहाँ का आपका तेलंगाना का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का याद रखिए, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चैपल, जैताई, कहाँ का आपका उत्तर प्रदेश का, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चैपल, जैताई, कहाँ का आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है, याद रखिए। अब उत्तराखंड का देख लेते हैं, गढ़वाली, कुमायुनी, कजरी, झोरा, बर्दानाटी, पांडव नृत्य, भोटिया, छपेली और छोलिया नृत्य, ये कहाँ का आपका उत्तराखंड का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए आप, जैसे यहाँ कजरी, कजरी देखिए यहाँ पे भी आपका, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कजरी है, उत्तराखंड में कजरी है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा, ऑप्शन में आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक साथ नहीं देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों में आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कोई भी देगा तो आप उसको टिक कीजिए, ठीक है। तो कजरी दोनों जगह होता है, ठीक है, याद रखिए। झोरा देखिए दोनों जगह आपका झोरा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। तो उत्तराखंड में आप याद रखिए कौन कौन सा होता है, गढ़वाली, कुमायुनी, कजरी, झोरा, बर्दानाटी, पांडव नृत्य, भोटिया, छपेली और छोलिया नृत्य, कहाँ होता उत्तराखंड का, ठीक है। और गोवा का देखिए, मांडो, फुगरी, मांडो, धनगर नृत्य, लैप नृत्य, सिगमो और देखनी, ये कहाँ का है नृत्य आपका, गोवा का, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए वेस्ट बंगाल का, ठीक, पश्चिम बंगाल का देख लीजिए, बिरता नृत्य, गंभीर, कीर्तन, गंभीर हो गया, फिर कीर्तन नृत्य, कुशान, अलकप नृत्य और काठी, धाली और कीर्तन, ये कहाँ का आपका वेस्ट बंगाल का, कहाँ का वेस्ट बंगाल का, ठीक है, याद रखिए। बिरता नृत्य, गंभीर नृत्य, कीर्तन नृत्य, कुशान नृत्य, अलकल्प नृत्य, काठी नृत्य, धाली नृत्य और कीर्तन नृत्य, ये कहाँ का आपका वेस्ट बंगाल का, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए झारखंड का देखिए, तो झुमेर, मर्दानी, जननी, डोमचक, लहसुआ, पेनकी, मुडारी नृत्य, शताली नृत्य और करखू नृत्य, ये सारे नृत्य कहाँ के आपके झारखंड के, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट बताया जा रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने जोते हैं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए मणिपुर का देखिए, पुंग चोलोंग, रासलीला, लाई हरोबा, थोगल जागोई, लुई बदफिजाक और शिमलाम, ये कहाँ का आपको मणिपुर में, ठीक है, याद रखिए। रासलीला देखिएगा आपको उत्तर प्रदेश में था, आए कहाँ पे भी, ठीक है, याद रखिए। पुंग चोलम, रासलीला, लाई हरोबा, थोगल जागाई, लुई बदफिजाक और शिमलाम, ये कहाँ का आपको मणिपुर का, ठीक है, याद रखिए कहाँ का मणिपुर। अब देखते हैं त्रिपुरा का देखते हैं, ठीक है, जैसे होजागिरी, ममिता, गरिया नृत्य, बिछू नृत्य और है हक नृत्य, ये कहाँ का आपका त्रिपुरा का, होजागिरी, ममिता, गरिया नृत्य, बिछू नृत्य और है हक नृत्य, ये कहाँ का आपका त्रिपुरा का, ठीक है। अब मिजोरम का देखें क्या, मिजोरम, चिराव, चैलम और जागतम नृत्य, ये कहाँ का आपका मिजोरम का, ठीक है, याद रखिए कहाँ का है मिजोरम का, ठीक है। अब देखिए अब आपको कंप्लीट हो गया, आप देखिए आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। देखिए सारे आपके सवाल है जो कि आपका 2018 से 2021 तक पूछे गए हैं, ठीक है, टीचर्स द्वारा सारे सवाल कराए गए, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग देखिए, देखिए पहला सवाल आपका बताइए, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया भरतनाट्यम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है आपका, ऑप्शन नंबर ए कहाँ से आपका, तमिलनाडु से, ठीक है। दूसरा देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए। कुचिपुड़ी नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो कुचिपुड़ी कहाँ से हमारा, आंध्र प्रदेश, कहाँ से हमारा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और तीसरा देखिए, कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, कथकली, तो बताया कथकली कहाँ से हमारा, तो केरल से, कहाँ से, केरल से, ठीक है। पूछा गया मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, कहाँ से, तो बताया जितने भी अट्टम शब्द है कहाँ से आपके, केरल से, कहाँ से आपका, केरल से। तो क्या चार का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए पांच का, सतारिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो सतारिया नृत्य कहाँ से संबंधित है आपका, तो पांच का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए असम से, ठीक है। अब छह का देखिए, भांगरा गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए। छः का क्या हो जाएगा हमारा, छः का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ से हमारा, पंजाब से, कहाँ से, पंजाब से, ठीक है। और सातवां देखिए, गरबा, गरबा कहाँ से हमारा, तो आप जानते हैं गरबा कहाँ से हमारा, गुजरात से, कहाँ से, गुजरात से, ठीक है। तो देखिए गरबा नृत्य हमारा कहाँ से, गुजरात से, ठीक है, तो याद रखिए कहाँ से, गुजरात से, ठीक है।
आप देखते हैं आठ का देखिए क्या हो जाएगा, रौफ नित निम्नलिखित किस स्थान संबंधित है, तो रौफ कहाँ से है, तो रौफ हमारा कहाँ जम्मू कश्मीर से, ठीक है। और घूमर नृत्य कहाँ से संबंधित है आपका, घूमर, तो घूमर आपको पता है कहाँ से संबंधित है हमारा, तो राजस्थान से, कहाँ से आपका, राजस्थान से, ठीक है। दस का देखिए बिहू, बिहू तो आप जानते हैं कहाँ संबंधित है आपका, बिहू, बिहू कहाँ से आपका, असम से, कहाँ से आपका संबंधित है, असम से, ठीक है। तो दस का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, डी में आपका क्या है, असम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, ठीक है। लावणी निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है, लावणी, तो लावणी नृत्य कहाँ से संबंधित है आपका, आप जानते हैं कहाँ से है, महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रूप है आपका, पूछा निम्नलिखित कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है, बताइए। बारह का क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्या, नाटी, नाटी कहाँ संबंधित है हमारा, नाटी, ऑप्शन नंबर बी, क्या, नाटी, ठीक है। तो नाटी आपका लोकप्रिय नृत्य कहाँ से आपका, हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय, ठीक है, नाटी। तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 13 का बताइए क्या हो जाएगा, 13 का आंसर, तो पारंपरिक रूप से तेरही ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से, बताइए। 13 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कहाँ से है, राजस्थान से, कहाँ से आपका संबंधित है, राजस्थान से, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछा गया, देखिए यहाँ पे पूछा गया चिराव, चिराव नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित, चिराव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य, बताइए। तो 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ का है, मिजोरम का, कहाँ का है, मिजोरम का, ठीक है। चलिए 15 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 15 दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगास नृत्य डैश राज्य के लोक नृत्यों में से विशेष स्थान रखता है, बताइए किस राज्य से, बताइए। 15 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कहाँ से, कर्नाटक से, यहाँ क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक से, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक ऐसा नृत्य जो भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, बताइए। 16 का क्या हो जाएगा हमारा, तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा, कुचिपुरी, क्या हो जाएगा, कुचिपुरी, क्या हो जाएगा, कुचिपुरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है, बताइए। तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन छोलिया, क्या हो जाएगा, छोलिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 17 का, ठीक है, क्या हो जाएगा, छोलिया, बताइए। 18 का पोवरा नृत्य डैश राज्य की एक प्रदर्शन कला है, बताइए। तो 18 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र का, कहाँ का, महाराष्ट्र का, ठीक है। रबताई भारत की डैश जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य रूप है, बताइए। 19 का क्या हो जाएगा हमारा, 19 का ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, मेवाती, क्या हो जाएगा, मेवाती, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 का क्या हो जाएगा, हिकत डैश के लोक नृत्य, बताइए, डैश हिकत कहाँ का आपका, बताइए। तो 20 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ का, हिकत आपका जम्मू कश्मीर का, कहाँ का आपका, जम्मू कश्मीर का, ठीक है। कोलकाली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से, क्या बताइए, 21 का क्या हो जाएगा हमारा, 21 का कहाँ का आपका, केरल का, कहाँ का, केरल का, ठीक है, कोलकाली कहाँ का, केरल का, ठीक है। चलिए 22 का बताइए क्या हो जाएगा, मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्यौहार चाट सुकरा डैश के रूप में मनाया जाता है, बताइए। 22 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, बुबाई उत्सव, क्या हो जाएगा, बुबाई उत्सव, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया, बताइए। 23 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, छऊ, क्या हो जाएगा, छऊ, ठीक है। गंधारी गांजा पारंपरिक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइए। 24 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र से, कहाँ से आपका, महाराष्ट्र से, ठीक है। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपको 25 का बताइए क्या हो जाएगा, सिक्किम का निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से चू फाट नामक लोक नृत्य से जुड़ा है, बताइए। 25 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, लेपचा, क्या हो जाएगा, लेपचा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेपचा हो जाएगा, ठीक है, याद रखें, क्या हो जाएगा, लेपचा, ठीक है। अभी सवाल है तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम के, बताइए 26 का क्या हो जाएगा,
मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है बताइए। 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चिराव। ठीक है, बाघ कुरुम्बा असम में बोडो समुदाय का एक डैश है, क्या है आपका 27 का बताइए, क्या हो जाएगा आप हमारा, क्या है लोक नृत्य, क्या है आपका एक लोक नृत्य, ठीक है, क्या आपका एक लोक नृत्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है बताइए। 28 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर है कहाँ का आपका, तेलंगाना का, कहाँ का आपका तेलंगाना का, ठीक है। पूछा गया कम साले राज्य का पारंपरिक नृत्य बताइए, कम साले कहाँ का लोक नृत्य बताइए, तो 29 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर है कहाँ का आपका, कर्नाटक का, कहाँ का आपका कर्नाटक का, ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर है कर्नाटक का, ठीक है। चलिए 30 का बताइए क्या हो जाएगा, रिख मप्ता डैश का है पारंपरिक नृत्य बताइए, 30 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर है कहाँ का आपका, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, बताइए। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जिसमें विशेष रूप से गांव के मेहमान भाग लेते हैं बताइए। 31 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, खुलेआम, क्या हो जाएगा खुल्लम, क्या हो जाएगा खुल्लम हो जाएगा, ठीक है, तो 31 का क्या हमारा, ऑप्शन नंबर 4 खुल्लम। चलिए 32 कहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, रनपा उड़ीसा का एक लोक नृत्य है जिसमें भगवान डैश के जीवन से जुड़े अध्याय शामिल है बताइए। 32 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, कृष्ण भगवान, क्या हो जाएगा कृष्ण, ठीक है, किससे जुड़े हैं कृष्ण के, ठीक है। मेमाता डैश राज के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य बताइए। 33 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 कहाँ का आपका, त्रिपुरा का, कहाँ का त्रिपुरा का, ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा का, ठीक है। भांड पाथे डैश में किए जाने वाले थिएटर नृत्य का एक रूप है बताइए। 34 का क्या हो जाएगा हमारा, कश्मीर का, कहाँ से हो जाएगा कश्मीर का, ठीक है। चलिए 35 का बताइए, मांड मुख्य रूप से डैश के पारंपरिक लोक गायन शैली होता है। 35 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, तो राजस्थान का, कहाँ का राजस्थान का, तो 35 का क्या हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है, इसे पहले मंदिर के नाम से जाना जाता है बताइए। 36 का क्या हो जाएगा भरतनाट्यम, क्या हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा, ठीक है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए डैश राज्य में आयोजित किया जाता है बताइए। 37 का क्या हो जाएगा हमारा, तिरुवनंतपुरम में, कहाँ पे किया जाता है, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है बताइए। 38 का क्या हो जाएगा कथक, क्या हो जाएगा कथक, ठीक है, उत्तर भारत मतलब का उत्तर प्रदेश है, कौन सा कथक, तो 38 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं पूछा बताइए, कौन सा नहीं बताइए, तो बताइए क्या हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा, कौन सा नहीं पूछा आपका, तो हाफिजा है आपका, डूमल है आपका, रौफ है आपका, तो आपका डांगी नहीं है आपका, डांगी जो आपका जम्मू कश्मीर से नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 होगा, तो क्या 39 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जवारा नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है, किया गया होता है। 40 का क्या हो जाएगा, कहाँ से किया जाता है आपका, मध्य प्रदेश, कहाँ का मध्य प्रदेश, ठीक है। पारंपरिक नृत्य रूपों के रूप में भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है बताइए। 41 का क्या हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया आलियुट्टू डैश राज का एक लोक नृत्य बताइए। 42 का क्या हो जाएगा, कहाँ का आपका, नागालैंड का, कहाँ का आपका नागालैंड का, तो 42 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 क्या, नागालैंड का, ठीक है। डैश उड़ीसा सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शेख होता है। 43 का क्या हो जाएगा हमारा, दाल खाई, क्या हो जाएगा दाल खाई। घूमर डैश राज का एक लोक नृत्य रूप है बताइए। 44 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राजस्थान। थुलार डैश राज से संबंधित एक एकल व्यंगनात्मक नृत्य होता है। 45 का क्या हो जाएगा हमारा, केरल का, कहाँ का, केरल का।
पोप दास डैश राज का एक लोकप्रिय नृत्य बताइए। 46 का क्या हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र का, कहाँ का, महाराष्ट्र का। पोनुंग और टप्पू डैश राज के लोक नृत्य रूप में बताइए। 47 का क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। डैश दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य बताइए। मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य बताइए। 48 का क्या हो जाएगा हमारा, कुमा तिकली का, कहाँ का, कुमा तिकली का, ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। पूछा गया मिनी कौर द्वीप का एक लोकप्रिय लोकनृत्य कौन सा, 49 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, लाबा, क्या हो जाएगा, लाबा, ठीक है, याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है बताइए। 50 का क्या हो जाएगा हमारा, कालबेलिया, क्या हो जाएगा, कालबेलिया, कहाँ से आपका, राजस्थान से, ठीक है, याद रखिए, कहाँ से आपका, राजस्थान से, ठीक है। चलिए सेट है, सॉल्व कीजिए इसको। ओटमथुलाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। पाला का क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ से आपका संबंधित है, आपका केरल राज्य से, कहाँ से आपका, केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। पूछा जा रहा है आपसे पंथी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 क्या, छत्तीसगढ़ से, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। पूछा जा रहा है मांडो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित बताइए। 3 का क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ से आपका, गोवा से संबंधित, कहाँ से, गोवा से, ठीक है। पूछा जा रहा है लूर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित बताइए। 4 का क्या हो जाएगा हमारा, हरियाणा से, कहाँ से आपको संबंधित है, आपका हरियाणा से, 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। भगोरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। 5 का क्या हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश, कहाँ से, मध्य प्रदेश। धीमसा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। 6 का क्या हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश, कहाँ से आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। दमहल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। 7 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, कहाँ से आपका, जम्मू कश्मीर। चांगलो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। 8 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 6 कहाँ से आपका, नागालैंड से, कहाँ से, नागालैंड से। लाहौर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। 9 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी कहाँ से आपका, मेघालय से, कहाँ से, मेघालय से। मणिपुरी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। 10 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी कहाँ से आपका, मणिपुर से। पूछा जा रहा है बंबू डांस बिलोंग्स टू विच टू फॉलोइंग स्टेट। तो बंबू नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है, बंबू नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है। तो 11 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी कहाँ से आपका, मिजोरम से। तो बंबू नृत्य आपका मतलब बांस का नृत्य आपका निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित आपका। तो 11 का क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर डी कहाँ से आपका, मिजोरम से, कहाँ से आपका, मिजोरम से, ठीक है। पूछा जा रहा है संथाली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। 11 का क्या हो जाएगा, मतलब 12 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, झारखंड, कहाँ से आपका, झारखंड से। तो संथाली नृत्य आपका कहाँ से आपका, झारखंड से, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। पूछा जा रहा है कालबेलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो जानते हैं कालबेलिया कहाँ से आपका, राजस्थान से, कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। भगोरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। 14 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 कहाँ से आपका, मध्य प्रदेश से। हाउचारी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। 15 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 कहाँ से आपका, त्रिपुरा से। लंबाड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है बताइए। 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, कहाँ से आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बयालता नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित होता है। 17 का क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ से आपका, कर्नाटक से, कहाँ संबंधित आपका, कर्नाटक। 17 का क्या, ऑप्शन नंबर डी।
यक्षगान निम्नलिखित आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से सम्मिलित है? तो यक्षगान आपका कहाँ से? आपका कर्नाटक से। कहाँ से आपका? कर्नाटक से। कहाँ से आपका? कर्नाटक से। ठीक है, याद रखिए। फुगड़े नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से सम्मिलित है? बताइए। 19 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से आपका? गोवा। फुगड़े नृत्य कहाँ से आपका? गोवा से। ठीक है, थोड़ा एक खेल नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित होता है? 20 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ से आपका? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, गोटीपुआ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित होता है? 21 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ हो जाएगा? ओडिशा। कहाँ हो जाएगा? ओडिशा से। ठीक है, पूछा गया गोरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए गोरिया। बताइए 22 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? त्रिपुरा से। कहाँ से? त्रिपुरा से। जिजिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए 23 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से आपका? बिहार से। जिजिया कहाँ से आपका? बिहार से। तो 23 का क्या ऑप्शन नंबर बी। झूला नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित बताइए? 24 का क्या हो जाएगा हमारा? कहाँ से आपका? राजस्थान से। झूला नृत्य आपका कहाँ से आपका? राजस्थान से। कहाँ से आपका? राजस्थान से। ठीक है, लंबाडी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित बताइए? 25 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? कहाँ से आपका? आंध्र प्रदेश। कहाँ से? आंध्र प्रदेश। कुमी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित बताइए? 26 का क्या हो जाएगा हमारा? तो कहाँ से आपका? 26 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, क्या ऑप्शन नंबर ए? क्या? तमिलनाडु। तो कुमी नृत्य आपका कहाँ से आपका? तमिलनाडु से। ठीक है, कहाँ से आपका? तमिलनाडु से। ठीक है, डम्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित होता है? 27 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से आपका? आंध्र प्रदेश। कहाँ से आपका? आंध्र प्रदेश। पूछा गया कुनिथा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए कुनिथा नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है? बताइए 28 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से आपका? कर्नाटक से। ठीक है, बताइए 29 का। डांडिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए 29 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से आपका? डांडिया। कहाँ से आपका? गुजरात से। ठीक है, पूछा जा रहा है लाबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, लाबा नृत्य कहाँ से आपका? लक्षद्वीप से संबंधित है। ठीक है, पूछा जा रहा है जाट जाटिन पखो बखेन पवरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए 31 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से आपका? जाट जाटिन बिहार से। डोलू कुनिथा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए 32 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कहाँ से आपका? कर्नाटक से। ठीक है, 33 का। पोपे नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित होता है? 33 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ से आपका? अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से आपका? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, बताइए 34 का क्या हो जाएगा हमारा? पंथी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित होता है? पंथी। तो 34 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है? क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये पहला सेट था, अब दूसरा सेट में आते हैं। ठीक है, बताइए हम्पी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? हम्पी। तो हम्पी जानते हैं किसको कहा जाता है? वर्तमान कर्नाटक को कहा जाता है। कहाँ? वर्तमान कर्नाटक को। तो पहला का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया कंधेई नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कंधेई नृत्य किस राज्य से संबंधित है आपका? तो किससे संबंधित है कंधेई नृत्य आपका? तो ओडिशा से। कहाँ से आपका? ओडिशा से। जगोई नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? जगोई। तो बताइए जगोई कहाँ संबंधित है हमारा? तो कहाँ से? मणिपुर से। ठीक है,
फुगई नृत्य निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है बताइए, फुगरी नृत्य बताइए, तो फुगरी नृत्य किस राज से संबंधित है आपका, गोवा से, कहाँ से, गोवा से। पूछा जा रहा है आपसे टाइगर डांस या बाघ नच निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है बताइए, टाइगर पूछा जा रहा है, तो कहाँ संबंधित आपका उड़ीसा से, कहाँ से आपका उड़ीसा से, टाइगर डांस या बाघ नच कहाँ से आपका संबंधित है उड़ीसा से, तो पाँच का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो पाँच का देखिए क्या ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बताइए बिरहोर निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है बताइए, बिरहोर नृत्य बताइए किस राज से संबंधित है, तो छः का क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ से आपका झारखंड से, कहाँ से आपका झारखंड से। लेसा लुप्त नृत्य निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है बताइए, तो सात का क्या हो जाएगा, कहाँ से आपका नागालैंड से, कहाँ से आपका नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। पूछा जा रहा है जवारा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है, जवारा बताइए, जवारा नृत्य आपका किस राज से संबंधित है आपका, बोलिए, तो कहाँ से आपका मध्य प्रदेश, कहाँ से आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। मटकी निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है आपका बताइए, नौ का क्या हो जाएगा हमारा, बताइए मटकी, तो मटकी कहाँ से आपका मध्य प्रदेश, कहाँ से, मौसम मध्य प्रदेश, मौसम मटकी, तो नौ का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दस का बेहदीन खल्लम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है बताइए, तो दस का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, मेघालय से, कहाँ से आपका, मेघालय से। होजागिरी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है बताइए, ग्यारह का क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ से आपका, त्रिपुरा से, कहाँ संबंधित है आपका, त्रिपुरा से, ठीक है। पूछा गया राउत नाचा निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है आपका बताइए, तो कहाँ से आपका राउत नाचा का कहाँ से संबंधित है आपका, जानते हैं कहाँ से आपका, छत्तीसगढ़ से, कहाँ से आपका, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तेरताली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है बताइए, तेरह का क्या हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश, कहाँ से आपका, मध्य प्रदेश से। चांगलो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है बताइए, चौदह का क्या हो जाएगा हमारा, नागालैंड से, कहाँ से आपका, नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। गोरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज से संबंधित है बताइए, गोरिया नृत्य आपका किस राज से संबंधित है आपको बताइए, पंद्रह का बताइए क्या हो जाएगा हमारा, त्रिपुरा से, कहाँ से आपका, त्रिपुरा से संबंधित है, ठीक है। नृत्य डैश नृत्य जो पौधों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है, हिमाचल प्रदेश का एक लोग एक नृत्य रूप है, क्या नाम है उसका बताइए, क्या नाम है उसका, छमो, क्या नाम है उसका, छमो, क्या नाम है उसका, छमो, ठीक है। डैश सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता माउंट खांग चेंड जोगा के समान किया जाता है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, चूफाटो, क्या नाम है, चूफाटो, क्या नाम है, चूफाटो, ऑप्शन नंबर सी। बिहावला गिद्धा भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय लोक नृत्य, इसका क्या नाम बताइए, अठारह का क्या हो जाएगा हमारा, क्या नाम है उसका, कहाँ पे किया जाता है आपका, पंजाब में, कहाँ किया जाता है आपका, पंजाब में, ठीक है। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है बताइए, कौन सा, तो पश्तून जनजाति, कौन सी, तो पश्तून। कंदयान नृत्य डैश के समान सामान्य नृत्य बताइए, बीस का क्या हो जाएगा, कहाँ का है आपका, श्रीलंका का, कहाँ का है, श्रीलंका का। यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में कौन सा है बताइए, पूछा गया बताइए कौन सा है, तो कौन सा हमारा, कुटियाट्टम, कौन आपका, कुटियाट्टम, कौन सा आपका, कुटियाट्टम है, ठीक है। नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय डैश नृत्य किया जाता है, बाईस का क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा किया जाता है, तो धंगारी किया जाता है, क्या सर, धंगारी, ठीक है, तो बाईस का क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है बताइए,
कौन सा क्या जाता है, उष्म क्या जाता है बताइए। तो कौन सा आपका कंधेई, कौन सा आपका कंधेई क्या जाता है, कौन सा कंधेई क्या जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य किस नृत्य में महिलाएं तोते की तरह नृत्य करती है बताइए। 24 का क्या हो जाएगा, किसमें, सूबा में, किसमें करता है, सूबा में, ठीक है, सूबा में। पंजाब डैश पंजाब में मास्टर डांस का रूप है बताइए। 25 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बागा। खासी जनजातियों द्वारा नोक क्रेम नृत्य निम्नलिखित किस त्योहार के दौरान क्या जाता है बताइए। 26 का क्या हो जाएगा, कहां वांगला, क्या हो जाएगा वांगला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टॉपिक, दूसरा टॉपिक आपका क्या है, फेमस डांसर ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका नाम दिया गया, ठीक है। तो किससे रिलेटेड कौन सा आपका देख लीजिए, तो फेमस डांसर तो देख लीजिए, पहला भरतनाट्यम से देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए भरतनाट्यम से कौन संबंधित है, तो राम बैद्यनाथ, बैद्यनाथ नी ये आपका भरतनाट्यम संबंधित है। टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से है संबंधित। सी वी चंद्रशेखर रुक्मणी देवी पद्म सुब्रमण्यम वैजंती माला सीमा करमानी पद्मिनी पी हरमन हर हर मन थानी अलामेल बेली यामिनी कृष्णमूर्ति गुरु एम के सरोज बाल सरस्वती कमला नारायण और राधा श्रीधर, ठीक है, और राधा श्रीधर, ठीक है। ये सारे कहाँ से आपके संबंधित है, आपके ये सारे आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, किससे, तो ये सारे आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, ठीक है। ये सारे नाम याद रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो है ये किस नृत्य से संबंधित है, तो नाम दे दिया जाता है, अब पूछा जाता है ये किस नृत्य से संबंधित है, आपका 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, तो ये सारे आप याद रखिए। तो ये सारे आपके जो है किस नृत्य से संबंधित है आपका, तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कथक नृत्य देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कथक नृत्य से कौन संबंधित है आपका, ठीक है। तो कथक नृत्य तो शोभना नारायण उमा शर्मा बिरजू महाराज नाहिद सिद्दीकी लच्छू महाराज गोपी कृष्ण सरस्वती सेन विद्या कौरी अधकर पुरुषोत्तम धनिज कालका प्रसाद कुमुदनी लखिया रोहिणी भाटी, ठीक है। ये सारे आपके कथक नृत्य से संबंधित है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा आपका बिरजू महाराज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। एक लच्छू महाराज ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट नाम है याद रखिएगा, क्योंकि कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ये सारे आपके जो हैं ये किस नृत्य से आपको संबंधित है, आपको कथक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। और कथक कहाँ पर होता है, यूपी में होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखते हैं कथक का नृत्य कौन कौन संबंधित है आपका, तो कला मंडलम कृष्णन नायर, ठीक है, अब्बल थोल नारायण मेनन गुरु कीज पदम कुमारन नायर और कला मंडलम नाराजनी, ये सारे आपका जो कथकली नृत्य से संबंधित है, किससे, कथकली नृत्य से संबंधित, ठीक है। ये सारे आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम पूछे जाते हैं। कुचिपुरी नृत्य से संबंधित कौन कौन से हैं, तो शोभा नायडू गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम अपर्णा सीतासानी दीपिका रेड्डी गुरु पद्मजा रेड्डी हलीम खान मल्लिका सारा भाई बी सत्यनारायण शर्मा दीपा शशिचंद्रन, ये सारे आपका किससे है, कुचिपुरी नृत्य से संबंधित है ये सारे, ठीक है। ये ना सारे नाम याद रखिए, ठीक है। ओडिशी से देख लेते हैं, तो मिनियाती मिश्रा मिनाती मिश्रा कुमकुम मोहंती श्री गुरु मायाधर राउत सुजाता महापात्रा माधवी मुद्दल केलुचरण महापात्र सुरेंद्र नाथ जन्ना शोभना सह जानन गुरु गंगाधर प्रधान और क्या आपका सोनल मानसिंह, ये सारे किससे आपका ओडिशी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। आप देख लेते हैं मोहिनी अट्टम से संबंधित कौन से लोक नृत्य है, ठीक है, मतलब संबंधित कौन कौन से आपके पर्सन है, ठीक है, मोहिनी अट्टम से, ठीक है। तो देखिए कनक रेले आपको मोहिनी अट्टम से है। जय प्रभा मेनन ये आपको मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कल्याणी कुट्टी अम्मा ये भी आपको मोहिनी अट्टम से। शोभना सुनंदा नायर कला मंडलम राधिका और थंका मणि कला मंडलम हिमावती कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा ये सारे आपका किससे मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है, किससे, मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है, ठीक है, याद रखिए। आप देख लेते हैं मणिपुरी नृत्य से संबंधित कौन कौन सा आपका, गुरु विपिन सिंह दर्शन झावेरी झावेरी बहने देवजानी चालिया
अमल शंकर, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, ये सारे आपके किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिए, ठीक है। आप देख लेते हैं कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी से मतलब क्वेश्चन आपके रिलेटेड, ठीक है। देखिए, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया है, तो क्या हो जाएगा हमारा पहला का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 किससे? कुचिपुरी से। किससे? कुचिपुरी से। पहला का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, कुचिपुरी से, ठीक है। पूछा कि केलुचलम महापात्र निर्मिक में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक थे? तो किससे थे? तो ओडिशी नृत्य से। किससे? ओडिशी नृत्य से, ठीक है। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य रूप के प्रमुख को आदि गुरु के रूप में सराहाया है, बताइए क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, ठीक है। ये क्या भरतनाट्यम क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा, ठीक है। कथकली, ठीक है, याद रखिए। क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा, ठीक है। बताइए, निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध कोटक्कल शिव ब्राह्मण से? बताइए किस किसका संबंधित आपका? कोटालम श्री नायक से संबंधित, बताइए। चार का क्या हो जाएगा हमारा? किससे है? कथकली का। किससे? कथकली का, ठीक है। तो चार का क्या है हमारा? 3, ठीक है। शंभु महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए, पद्मश्री से सम्मानित किया गया, बताइए। तो किससे? कथक के लिए। किससे लिए? कथक के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्य गान नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? ठीक है, पूछा गया पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, बताइए। 6 का क्या हो जाएगा हमारा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप निम्नलिखित में से किस नर्तक को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? बताइए। 7 का क्या हो जाएगा हमारा? किसको? जय प्रभा मेनन। किसको? जय प्रभा मेनन को, ठीक है। डैश ने अपनी पत्नी के साथ जो खुद एक नर्तकी हैं उनके बेटे ने 1993 में सृजन निर्माण किया है, बताइए क्या? तो कौन है? केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र, ठीक है। तो नर्तकी नटराज डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बन गए, बताइए। 9 का क्या हो जाएगा? कौन है? तो भरतनाट्यम नृत्यांगना। कहाँ के? भरतनाट्यम नृत्यांगना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? बताइए। 10 का क्या हो जाएगा? 6 के लिए। किसके लिए? 6 के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 प्राप्त हुआ? बताइए। तो 11 का क्या हो जाएगा? किसको प्राप्त हुआ? किसके लिए? तो भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में किसने 1993 में ओडिशी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की? बताइए। किसने की है? तो केलुचरण महापात्र ने। किसने की? केलुचरण महापात्र ने की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस सदीर नर्तक को पद्मश्री 2022 मिला? बताइए। 13 का क्या हो जाएगा? आर मुथुक मुथुक नम्माल को, ठीक है। मुथु नम्माल को, ठीक है। तो 13 का क्या हमारा? 3 नंबर, ठीक है। प्रसिद्ध झावेरी बहने डैश शास्त्रीय नृत्य रूप से जुड़ी है, बताइए। किससे जुड़ी है? झावेरी बहने, बताइए। तो किससे? मणिपुरी से। किससे? मणिपुरी से जुड़ी है, ठीक है।
हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बताइए हलीम खान किससे संबंधित है आपका? तो जानते हैं किससे, काफी इंपॉर्टेंट है, किससे? कुचिपुड़ी से। किससे? कुचिपुड़ी से। ठीक है, गुरु मकर ध्वज दरोगा को भारत में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए 16 का क्या हो जाएगा? तो किसके? तो छऊ के लिए, ऑप्शन नंबर सी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु अमूबी सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए 17 का क्या हो जाएगा? बताइए तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? मणिपुरी। क्या हो जाएगा? तो 17 का क्या हो जाएगा? मणिपुरी। ठीक है, पूछा जा रहा है 20वीं शताब्दी में ओडिशी के शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? बताइए कौन है? बताइए तो कौन हो जाएगा? केलुचरण महापात्र। कौन है आपका? केलुचरण महापात्र। ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है किस मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना के इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तलय नृत्य विद्यालय खोला गया? बताइए तो बताइए क्या हो जाएगा? 19 का क्या हो जाएगा हमारा? विपिन सिंह के लिए। किसके लिए? विपिन सिंह। मैत्र राम रियांग मतलब सत्यराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? बताइए 20 का क्या हो जाएगा? किसके लिए? होजागिरी को। किसको? होजागिरी। होजागिरी ऑप्शन नंबर 1। डैंस के वयोवृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी को 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया था। किसका क्या हो जाएगा हमारा? और असम। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वूमेन है? बताइए कौन पहली ट्रांस वूमेन? पूछा जा रहा है तो कौन है आपका? नर्तकी नटराज। कौन है आपका? नर्तकी नटराज। ठीक है, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो डैंस में विशेषज्ञता रखती थी। बताइए विशेषज्ञता रखती थी। बताइए 23 का क्या हो जाएगा? कौन है आपका? तो किस में रखती थी? भरतनाट्यम और ओडिशी में। किस में? भरतनाट्यम और ओडिशी में रखती थी। ठीक है, कथक नृत्य प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? बताइए बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? बताइए तो आप जानते हो किसे? लखनऊ घराना। क्या से? कहाँ से? लखनऊ घराना से। ठीक है, पूछा है पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना है? बताइए तो किसका है आपका? भरतनाट्यम का। किसका है? भरतनाट्यम का। निर्मला मेहता किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो किसका? मणिपुरी का। पद्मश्री से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चित्रानी रामचंद्र हेगड़े को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में योगदान के लिए जाना जाता है? बताइए तो किसके लिए जाना जाता है? तो यक्षगान के लिए। किसके लिए? यक्षगान के लिए। ठीक है, तो किसके लिए? यक्षगान के लिए। तो 3 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। किसके लिए जाना जाता है? यक्षगान के लिए। ठीक है, ५९७ में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रुक्मणी देवी अरुंडेल एक क्या है? एक नर्तकी है। तो कहाँ मतलब कौन से नृत्य करती हैं? तो बताइए 28 का क्या हो जाएगा? तो कौन सा नृत्य करती हैं? तो आप जानते हैं कौन सा? भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में योगदान के लिए कंजू राज को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए 29 का क्या हो जाएगा हमारा? गुशादी ऑप्शन नंबर 1।
बताइए। पूछा जा रहा है कलामंडलम कली कल्याणी कुट्टम कुट्टी अम्मा डैश नृत्य के रूप में भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना है, बताइए नाम क्या, मतलब कौन सा। तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टम अम्मा, तो कौन सा नृत्य के लिए बताइए। इसका क्या हो जाएगा हमारा, तो कौन सा नृत्य के लिए है, तो आप जानते हो कौन सा, मोहिनी अट्टम के लिए, कौन सा आपका, मोहिनी अट्टम के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, ठीक है। प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो शपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए क्या है। तो कहाँ, तो कौन सा, काल बेलिया के लिए, तो काल बेलिया, कहाँ काल बेलिया, राजस्थान का लोकनृत्य है, ठीक है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अधकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के डैश घराने से मान्यता प्राप्त है, बताइए क्या हो जाएगा, जयपुर घराने से, क्या जयपुर घराने से, क्या जयपुर घराने से, ठीक है। गुरु श्यामा चरणपति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, बताइए किसके लिए। तो संथाली नृत्य के लिए, किसके, संथाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर दो, बताइए 34 का क्या हो जाएगा। पंडित सुंदर प्रसाद जिन्हें 1959 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डैश नर्तक है, बताइए क्या हो जाएगा। तो कौन सा नर्तक है आपका, तो आपको पता हो कौन सा, कथक, कथक कहाँ पर, यूपी में, कहाँ पर कथक, यूपी में, ठीक है। पद्मश्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। 35 का क्या हो जाएगा हमारा, किसके लिए, तो भरतनाट्यम के लिए, किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए। गुरु विपिन सिंह 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित एक डैश नाटक, 36 का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मणिपुरी, क्या हो जाएगा, मणिपुरी। निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, बताइए। 37 का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पद्म सुब्रमण्यम, कौन हो जाएगा, पद्म सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर 4। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सत्रों का आविष्कार और सिद्ध किया है, बताइए। 38 का क्या हो जाएगा, तो कौन, श्रीमंत शंकर देवी, कौन हो जाएगा, श्रीमंत शंकर देवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर, श्रीमंत शंकर देवी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को द्वारा किया जाता है, बताइए। 39 का क्या हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, कुचिपुरी, क्या हो जाएगा, कुचिपुरी, बताइए। 40 का क्या हो जाएगा, बैगा नृत्य और संगीत में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, बताइए। 40 का क्या हो जाएगा, तो किसके लिए, तो अर्जुन सिंह ध्रुवे को, किसको, अर्जुन सिंह ध्रुवे को, ठीक है। मंजमा ज्योति वर्ष डैश में कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना है, बताइए क्या हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, तो क्या हो जाएगा, ये कब, 2021 में, कब, 2021 में। शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, बताइए, नहीं मिला है पूछा, बताइए। 42 का, तो कौन सा नहीं मिला है, तो देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला, ठीक है, अब पद्म भूषण भी मिला, लेकिन ठीक है, लेकिन पद्मश्री जो है नहीं मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ओडिशी नर्तक मृदगम पवा पखावज और तबला जैसे ताल वादों का भी स्वामी है, बताइए। 43 का क्या हो जाएगा,
तो कौन है आपका केलुचरण महापात्र, कौन है आपका केलुचरण महापात्र है, ठीक है। निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, बताइए 44 का क्या हो जाएगा। तो कौन है आपका पद्म सुब्रमण्यम, कौन है आपका पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है। 44 का क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पद्म सुब्रमण्यम, ठीक है बताइए। पूछा गया है उमा शंकर शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को सम्मिलित करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए 45 का क्या हो जाएगा। तो किसके लिए, तो कथक के लिए, किसके लिए, तो कथक के लिए। कला मंडलम छेम्बती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बताइए क्या हो जाएगा। मोहिनीअट्टम के लिए, किसके लिए, मोहिनीअट्टम के लिए, ठीक है। सीबी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, बताइए 47 का क्या हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम। प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेता मीनाक्षी मिश्रा को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, बताइए 48 का क्या हो जाएगा हमारा, किसके लिए, तो ओडिशी के लिए, किसके लिए, ओडिशी के लिए, ठीक है, किसके लिए, ओडिशी के लिए। टी बाल सरस्वती भारत की एक नृत्य की वंदती को भारतीय कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस शैली नृत्य शैली में, बताइए 49 का क्या हो जाएगा। तो किस शैली में आपका, तो भरतनाट्यम में, किस में, भरतनाट्यम में। केलुचरण महापात्र सोनल मानसिंह और गीता निम्नलिखित में से कौन से रूप है, बताइए 50 का क्या हो जाएगा हमारा, तो किसका, ओडिशी का, किसका, ओडिशी का, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसे 2022 में श्री पद्मश्री पुरस्कार मिला है, बताइए किसको मिला, पद्मजा रेड्डी को, किसको, पद्मजा रेड्डी को, ठीक है। वयोवृद्ध नृत्य गुरु जतीन गोस्वामी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कालिदास समारोह से सम्मानित किया गया है, बताइए 52 का क्या हो जाएगा, किसके लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर क्या, सतारिया को, किसके लिए, तो सतारिया को। भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सितारा देवी पद्मश्री और कालिदास समारोह सम्मानित किया गया, बताइए 53 का क्या हो जाएगा, तो कथक, कथक कहाँ का, यूपी में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य प्रकार उत्तर भारत से संबंधित है, तो कौन सा आपका उत्तर भारत से आपका पूछा संबंधित है, बताइए तो कौन सा आपका कथक, कथक कहाँ का, यूपी में, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित शोभना नारायण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना, बताइए 55 का क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कथक से, किसे, कथक से, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य सोनल मानसिंह द्वारा किया जाता है, बताइए 56 का क्या हो जाएगा, बताइए तो किसके, तो भरतनाट्यम और ओडिशी, कौन सा आपका भरतनाट्यम और ओडिशी, ठीक है। मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, बताइए 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गोटीपुआ, क्या हो जाएगा, गोटीपुआ। लोक नृत्य रूप पंथी में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए तो किसके लिए, तो डॉक्टर राधेश्याम बर्ले को, किसको, डॉक्टर राधेश्याम बर्ले को, ठीक है। निम्नलिखित में किस पूछा गया है, निम्नलिखित में किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नृत्य किंवदंती ने भारत नृत्य के नाम से एक नया नृत्य रूप तैयार किया, बताइए 59 का क्या हो जाएगा, 59 का बताइए,
कौन हो जाएगा? पद्म सुब्रमण्यम, क्या हो जाएगा? पद्म सुब्रमण्यम। तो 59 का क्या हो जाएगा हमारा? 4, ऑप्शन नंबर 4। विदेशी मूल की पहली शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है जिन्हें ऋषि मुनि के योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए। तो कौन है आपका? इलियाना सिटारिस्टी। कौन आपका? इलियाना सिटारिस्टी। तो ऑप्शन नंबर 3। डैश देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली नर्तक महिला नर्तक की थी? बताइए। 61 का क्या हो जाएगा? कौन थी आपकी? तो तंजोर बाला सरस्वती। कौन थी? तंजोर बाला सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर 3। सुश्री कमलानी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। वे बनारस घराने के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? बताइए। तो किस लिए जाने जाते हैं आप? तो कथक के लिए। किसके लिए? कथक। ऑप्शन नंबर 4। यूपी में कथक है, ठीक है, यूपी का लोकनृत्य है, ठीक है। एल बीनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला है? बताइए। 63 का क्या हो जाएगा हमारा? मणिपुरी के लिए। किसके लिए? मणिपुरी के लिए। किसके लिए? मणिपुरी के लिए, ठीक है। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए। 64 का क्या हो जाएगा? बताइए। तो क्या हो जाएगा 64 का? तो क्या हो जाएगा? कथक के लिए। किसके लिए? कथक के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। किसके लिए? कथक के लिए, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? बताइए। 65 का क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम और कुचिपुरी के लिए। किसके लिए? भरतनाट्यम और कुचिपुरी के लिए। ऑप्शन नंबर 1। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं? बताइए। 66 का क्या हो जाएगा हमारा? कथक नृत्य से। किसे? कथक नृत्य से, ठीक है। कौन से भारतीय अभिनेत्री 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से एक थी? बताइए। 67 का क्या हो जाएगा? कौन है आपका? बैजंती माला। कौन आपका? बैजंती माला, ठीक है। कौन आपका? बैजंती माला, ठीक है। तो देखिए बैजंती माला किस में हमारा? तो ऑप्शन नंबर 3 में। किस में हमारा? ऑप्शन नंबर 3 में। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी है। तो कौन सा आपका? भरतनाट्यम की। किसकी? भरतनाट्यम की। 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज अभिषेक समारोह के लिए किस प्रसिद्ध कथक नर्तक को बुलाया गया था और उन्हें 1970 में पद भूषण से सम्मानित किया गया था? 69 का क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कुमारी कमला को। किसको? कुमारी कमला को, ठीक है। किसको? कुमारी कमला को, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गदाम बज्जा रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से सम्मानित है? बताइए। तो किससे सम्मानित है? कुचिपुरी से। किसे? कुचिपुरी से। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? बताइए। 71 का क्या हो जाएगा? तो किसके लिए जाने जाते हैं? कुचिपुरी के लिए। किसके लिए? कुचिपुरी के लिए। किसके लिए? कुचिपुरी के लिए, ठीक है। किसके लिए? कुचिपुरी के लिए, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य छऊ। तो संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय अकादमी भारत के केवल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। हालांकि संस्कृति मंत्रालय भी छऊ नृत्य को भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिससे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 9 हो जाती है, ठीक है। देख लेते हैं छऊ नृत्य पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है। छाया शब्द छऊ नृत्य को अर्थ देता है। छाया का अर्थ होता है छाया, ठीक है। मुखोटा नृत्य के रूप में छऊ नृत्य को निरूपित किया जाता है। ऊर्जावान मार्शल आर्ट आंदोलन छऊ नृत्य की मूल विशेषता है। सर्प नृत्य मयूर नृत्य छऊ नृत्य में प्रयुक्त कुछ कथन है, ठीक है। छऊ नृत्य 3 प्रकार का होता है। एक सरायकेला, यह छऊ नृत्य झारखंड में प्रसिद्ध है। तो सरायकेला यह छऊ नृत्य झारखंड में प्रसिद्ध है। एक मयूरभंज, यह छऊ नृत्य ओडिशा में प्रसिद्ध है। तो मयूरभंज का आपका यह ओडिशा में प्रसिद्ध है। अब पुरुलिया, यह छऊ नृत्य आपका पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। तो पुरुलिया कहाँ आपका? पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। मयूरभंज
छऊ में मुखौटों का प्रयोग नहीं होता है। मयूरभंज छऊ में फिर मुखौटों का प्रयोग नहीं होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसे याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के की अनुस्को की यूनेस्को के प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया, ठीक है। छऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया, ठीक है। तो छऊ नृत्य को यूनेस्को की सूची में जो है शामिल किया गया, ठीक है। तो ये चलिए ये कुछ मतलब थे सवाल आपका, ठीक है, ये याद रखिए, इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो याद रखिए, तो डांस मतलब ये था, ये डांस रिलेटेड था, जितने क्लासिकल डांस थे, लोकनृत्य थे, सभी आपको करवाए गए, ठीक है। और फिर कौन से मतलब व्यक्ति आपके किस डांस से संबंधित है, किस लोकनृत्य से संबंधित है आपका, तो सभी कराया गया, ठीक है। तो ये दोनों में जो जितने सवाल बनते हैं आपका, इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। और सारे प्रीवियस ईयर हो गया, आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सारे आपके कवर कर दिया गया, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए,